बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैवल कहानी में आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ रियाज शाहिद। इस वक्त जो है वो हम नथिया गली में मौजूद हैं और मुश्कपुरी का ट्रैक करेंगे। सर्दियों में तो हमने ये काफ़ी मरतबा किया है, लेकिन हम समर में कर रहे हैं और ट्रैकिंग हमने स्टार्ट किया। नथिया गली पे हम पहुँचे हैं तकरीबन 10 बज रहे हैं और 10 बजे हम अपनी हाइकिंग स्टार्ट करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पर 2-2.5 बजे तक आ जाएँ, क्योंकि हमारे साथ कुछ फैमिलीज़ भी हैं, कुछ और भी लोग हैं। तो कह रहे हैं, नीचे लोगों ने बताया कि आप 2-2.5 बजे तक मुश्किल ही है कि आएँ। बहरहाल हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा है, लोगों की काफ़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लिहाजा हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ट्रैकिंग में हमारे साथ रहें, कितना टाइम लगेगा, कैसे जाना है, क्या मामलात हैं, आपको अपडेट कर दें। जी जनाब, तो मुश्कपुरी का हमने ट्रैक स्टार्ट किया। आप मेरे पीछे सुजुकियाँ देख रहे हैं। एक्चुअली में जब आप मुश्कपुरी का ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ऐसा है कि आप इसको बिल्कुल गाड़ी पे भी कर सकते हैं। यहाँ से सुजुकियाँ जाती हैं, 50 रुपये का किराया लेती हैं और आपको कच्चे तक उतारेंगी, और वहाँ से आगे जो है वो आपको हाइकिंग करनी है। तो अगर आप चलने के ज़्यादा आदी नहीं हैं तो आप ये सुजुकी पर भी कर सकते हैं। नहीं जनाब, इस वक्त हम जो है वो 1.5 किलोमीटर जो बताया गया था वो कर चुके हैं, और यहाँ से जो है वो टिकट घर है यहाँ पे, और वहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ता है और 20 रुपये का टिकट है पर पर्सन। वो आप लेंगे तो यहाँ से आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये सीन है, और यहाँ पर इन्होंने जो महकमा जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा है, यूबिया नेशनल पार्क, उन्होंने ये डिफरेंट बोर्ड्स लगाए हैं और ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। और लेट्स सी, यहाँ से हम हाइक करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे एंड लेट्स सी के ऊपर का मौसम कैसा है। बड़ा मज़ा आ रहा है। बीइंग अ हाइकर तो मेरे लिए बड़ी मज़ेदार जगह है, और सिरन के बाद मेरे ख्याल से तकरीबन 1 साल बाद उनको मज़ेदार हाइकिंग करूँ। खैर, ट्रेल 5 और 3 तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बड़ी ज़रूरी है। अगर आप ऐसी जगह पे आएँ, जैसे मैंने आपको बताया, जूते अच्छे होने चाहिए, स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, और स्टेमिना के लिए आप ट्रेल 5 के चक्कर लगाते रहें और हल्की फुल्की रनिंग करते रहें, ताकि जब यहाँ पे आएँ तो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। देखिए जी, मैंने तो आपको अपना रिव्यू दिया है, लेकिन मेरे साथ एक यहाँ पर हाइक कर रही हैं खातून, तो काफ़ी इनको दुश्वारी पेश आ रही है। इनसे पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है जी मुश्कपुरी का, ये ट्रैक मज़े का? I'm so tired. आप बहुत थक गई हैं, तो आपको क्या इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये टफ होगा, या आप कुछ एहतियाती तदाबीर कर लेती पहले से अगर आपको पता होता? हमारा गांव भी ऐसा ही है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ कम ज़्यादा से थोड़ा सा टाइम हो गया, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। यानी कि 5 साल हो गए। बंदे को जो है वो थोड़ा सा अपना स्टेमिना रखना चाहिए, हल्की फुल्की एक्टिविटी रखनी चाहिए ताकि वो डिस्टर्ब ना। तो अभी आप मुझे बताएं, आप ऊपर चली जाएंगी? चली जाएंगी। बहुत अच्छा, देखते हैं कि ये ऊपर जा पाती हैं कि नहीं। हम भी ऊपर जा रहे हैं, अगर ये मिली तो इनसे आपका रब्ता कराएंगे, दिखाएंगे इनको कि ये गई हैं या नहीं गई, वरना आपको बताएंगे कि वो नहीं आ सकी हैं। और अगर ये इन्होंने घोड़ा ले लिया तो मैं साथ साथ ही हूँ, आपको बताऊँगा कि ये घोड़ा लेकर गई। क्यों अरुण साहब, बताएं फिर हाइकिंग का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त, बहुत आउट क्लास, मजा आ गया। ना इतनी मुश्किल, ना इतनी आसान, ना फिजिकल एक्टिविटी, मेंटली आप, और ये एक्टिविटी बहुत जरूरी है। इस एक्टिविटी से ना सिर्फ आपकी फिजिकली हेल्थ बेहतर होती है, बल्कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बेहतर होती है। सो आप तमाम दोस्त कोशिश करें कि यहाँ पे जरूर आए, लाइफ में एक बार यहाँ पे आना बहुत जरूरी है, और आपको यहाँ आने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे डेली कितनी वॉक जरूरी है मेरे लिए। बिल्कुल बेहतरीन बात की है जी। लेकिन अरुण साहब, ये जो बुजुर्ग आप अपने साथ लेके आए हैं, ये तो चलने का नाम ही नहीं ले रहे। आप तो यंग आदमी है, चलने आ गए हैं, लेकिन इन बुजुर्गों का बड़ा मुश्किल इनको ऊपर तक यहाँ तक मिला। साथ लफ्ज लगा दिया बुजुर्ग, बात ही खत्म कर दी आपने। सर आप जी, डॉक्टर आमिर शहजाद जी आपसे मुखातिब है। माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिविटी है, और यकीन कीजिएगा कि ये एक्टिविटी तो हर बंदे को करनी चाहिए, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर वैसे 30 मिनट्स मॉर्निंग वॉक, 30 मिनट इवनिंग वॉक को मस्ट कर दें। और इस तरह की जो एक्टिविटी है वो आपके हेल्थ को बहुत अच्छा करती है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, और प्लस आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है, शुगर लेवल है, आपका वेट है, इन सबको बैलेंस करती है। तो इस तरह की एक्टिविटी में ज़रूर हिस्सा लिया करें। वस्सलाम। मैडम कुछ कहेंगी? बिल्कुल कहेंगी।
कामयाबी के लिए ये जरूरी है। इजी आई है? यस यस। मजे की हाइक है। अगर तो आप शुगर पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर का मसला है, तो इस तरह की हाइक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी अब तक का ट्रैक चल रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। और घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। रख ला पीछे। जिस डेस्टिनेशन का हमें इंतज़ार था वो तकरीबन हमारे सामने है, और काफ़ी लश और ग्रीन एरिया और ख़ूबसूरत है। काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश भी है, बहुत सारे लोग आए हैं, कुछ पैदल चल के, कुछ घोड़ों पे सवार होके, मगर व्यू बहुत अच्छा है। असल बात यह है कि बाय दी एंड, हाँ जी, यहाँ देख के बोले ना, क्या आना मुश्किल? पैदल आना बहुत मुश्किल। तो आप घोड़ों पे आए हैं? नहीं, पैदल आए, इसीलिए कह रहे हैं पैदल आना। चलें, जाना आसान है। विश यू ऑल द बेस्ट। तो जी, लोग कुछ कह रहे हैं पैदल आना बहुत मुश्किल है, जैसे मैंने बताया घोड़ों पे भी बहुत सारे लोग आए हैं अभी। पैदल पैदल गरिया, मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ, देखें, बहुत मज़ेदार किस्म का है, लश ग्रीन है। साइडों पे आपको घोड़े वोड़े भी चढ़ते हुए नज़र आएंगे, और काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, फूल वूल खिले हुए हैं, लोग चल रहे हैं, अभी भी थके हुए हैं, लेकिन असल डेस्टिनेशन जो है वो जो आपको सामने फ्लैग नज़र आ रहा है उसके बैक साइड पे। तो साथ रहें, फ्लैग के पार क्या है आपको दिखाते हैं। जनाब, तो टॉप पे फाइनली हम मौजूद हैं, और काफ़ी अच्छा व्यू है, नाइस। पीछे आप मेरे देखें ग्रीनरी है, लेकिन अगर मैं आपको बिल्कुल अपने सामने दिखाऊं तो आप देखें कि जो ग्रीनरी है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो थोड़ा सा वैली का व्यू है, और ग्रीनरी बहुत मज़े की है। और वो आपको सामने रास्ता नज़र आ रहा है बिल्कुल इस साइड पर, ये एक ट्रैक है, और ये वो ऊपर एक झंडा लगा है वहाँ तक जाता है। तो उम्मीद है कि वहाँ पर भी कुछ खूबसूरत शॉट्स हम ले सकेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे हमने कुछ देर इंजॉय किए, और अब हम इस ट्रैक की तरफ निकलेंगे। जिसके बारे में था कि ये ऊपर नहीं आएंगी, मगर इनकी जो कमिटमेंट है वो ज़बरदस्त थी। क्या कहना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऊपर आ गई हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई एम वेरी एंजॉय। ऊपर आप आ गई हैं, ऊपर कब जा रही हैं? कोई जल्दी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, नहीं। आपको क्या, आपको क्या लग रहा था आप ऊपर आएंगी? यस ऑफ कोर्स। कैसा था ट्रैक? कोई रिकमेंडेशन? यहाँ जो आएगा, जो आना चाहता है, उसको क्या रिकमेंड करेंगी? ट्रैक आपने किया है मुजफ्फरपुरी का, एंजॉय करो और इस माहौल को देखो, बहुत अच्छा। यहाँ पर जब आप आएंगे फॉर एग्जांपल, तो क्या कोई गियर्स, कोई जूतों के कोई रिकमेंडेशन है कि आप क्या चीज़ है जो होनी चाहिए? बस फ्लैट जूते ना पहन कर आना, शूज़ पहन कर आना, और एक खूनी ज़रूर ले लेना, स्टिक ज़रूर ले लेना। अच्छा, इतनी जब ट्रैकिंग करने के बाद, हाइक करने के बाद, रुक रुक के आने के बाद, जब आप फाइनली टॉप पर आई हैं, तो मुझे ये बताएं कि जो व्यू है क्या वो वर्थ रखता है इतनी हाइकिंग? मज़ा आया आपको, एंजॉय किया आपने? मुश्किल है बनना, क्या मुश्किल है बनना? हम लोग सरगोधा से आए थे, काफ़ी सफ़र था, लेकिन वर्थ इट था, मुझे अच्छा लगा यहाँ के काफ़ी सीन्स वगैरह, सीनरी बहुत अच्छी थी। हाँ, आने में थोड़ा हेक्टिक था, लेकिन हम लोग तो फिर हम लोगों ने घोड़ा जो है उसके ऊपर राइडिंग करके आए हैं, लेकिन मज़ा आया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप हमारे साथ हैं, मुझे तो ये नहीं पता था ये ट्रिप में हमारे साथ यूनिवर्सिटी से।
जनाब तो बारिश शुरू होगी, हम टॉप पे मौजूद हैं, काफ़ी रश, काफ़ी इंगेजमेंट, काफ़ी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुशपुरी ट्रैक पे आए थे और बहुत ज़्यादा रश है। मैं तो हैरान था इतना रश देख के, लेकिन लोग हाइकिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और मैं अब हल्की हल्की बारिश शुरू होगी, हमें ज़रा तेज़ी से नीचे जाना है। वैसे तो हमने 2 बजे खाने का नीचे ऑर्डर करके आए थे, मगर जाहिर सी बात है अब वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश है क्योंकि नीचे जाने में ज़रा टाइम कम लगता है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा ट्रिप, बहुत रश, बहुत इंगेजमेंट, बहुत मज़ा। और हाइकिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ मेरे ख्याल से कुछ देर बाद इंसान को करनी चाहिए, फ्रेश रहता है, एक्टिव रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और मैंने आपको गाइड भी करने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।